Hello everybody, assalamu alaikum and welcome to the 8th video of Microsoft PowerPoint, the easiest, smartest and free way to learn. इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से Microsoft PowerPoint में रिव्यू के टैब को इस्तेमाल कर सकते हैं. जब भी हम अपने PowerPoint की प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है या हमें उसमें कोई पिक्चर्स या टेबल लगाने होते हैं, देन उसके बाद हम उस पर कोई डिजाइनिंग करना चाहते हैं, ट्रांजिशंस एंड एनिमेशन अप्लाई करने के बाद, स्लाइड शो के बाद, एंड में हमें जरूरत पड़ती है उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने की. रिव्यू करने का मकसद बेसिकली ये होता है कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक मौजूद है या फिर अगर हमने जो उसमें वर्ड इस्तेमाल किया है उससे रिलेटेड हम कोई बेहतर वर्ड इस्तेमाल कर सकते थे, या फिर हमें कोई स्पेल चेकिंग करनी है या फिर हमें उससे कोई कमेंट्स वगैरह ऐड करने हैं, तो ये तमाम चीजें हम रिव्यू के टैब में कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. हमारे पास यहां पर सबसे पहले मौजूद है स्पेलिंग. स्पेलिंग का टूल हम बेसिकली इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी स्पेलिंग को चेक करवाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर लिखता हूं कंप्यूटर एंड एक वर्ड मैं आपके सामने लिख देता हूं कंप्यूटर, कुछ इस तरह का. ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास ये एरर आ गया. इसमें यहां पर ही मुझे अंडरलाइन रेड करके शो करवा रहा है कि ये स्पेलिंग सही नहीं है. मैं यहां क्लिक करता हूं एंड क्लिक करने के बाद अब वो मुझे कह रहा है, इसने मेरे इस वर्ड को हाईलाइट कर दिया. हाईलाइट करने के बाद वो कह रहा है कि आपके पास यहां पर तीन ऑप्शन है, आप या तो इसको इग्नोर करें या तो इग्नोर ऑल करें, मतलब इससे रिलेटेड और भी मेरे पास कोई मिस्टेक्स आ रही हैं, तो अगर मैंने सेम मिस्टेक दो तीन जगह की है, या फिर आप इसको ऐड करवाना चाह रहे हैं ताकि आपको दोबारा कभी एरर नजर ना आए. ऐड का ऑप्शन हमें उस वक्त काम आता है जब हम अपना नाम लिख रहे होते हैं एंड हमारा नाम डिक्शनरी में जाए, ऐसी बात है ऐड नहीं होता, तो उसके लिए हम ऐड पे क्लिक कर सकते हैं. मैं यहां कहता हूं जी भाई आप इसको चेंज कर दीजिए, एंड चेंज करने के बाद ये देखिए मेरे पास ये चेंज हो गया है. अब ये मुझे कोई भी सजेशन नहीं दे रहा. मैं कहता हूं ठीक है, ओके, दैट्स इट. अब ये मुझे बता रहा है एक डायलॉग बॉक्स शो करवा के, स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो. ठीक है, इस तरीके से मेरे पास स्पेलिंग चेक हो रही होती है. नेक्स्ट हमारे पास यहां पर ऑप्शन मौजूद है रिसर्च एंड थेसोरस का. ये दोनों बेसिकली एक ही तरह काम कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों में छोटा सा फर्क ये होता है कि रिसर्च के अंदर मुझे उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड ज्यादा ऑप्शंस मिल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर क्लिक करता हूं. क्लिक करने के बाद मैं यहां पर आकर लिखता हूं कंप्यूटर. अब जब मैं यहां पर इसे गो कहता हूं तो ये आपके सामने थोड़ा सर्च करने के बाद मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ थसूरस भी शो करवा रहा है दूसरी लैंग्वेज के अंदर, कि अगर मुझे इस कंप्यूटर से रिलेटेड और भी मालूम चाहिए तो मुझे बता रहा है. नेक्स्ट हमारे पास यहां पर थसूरस है. थसूरस में मैं क्लिक करता हूं एंड यहां पर क्लिक करने के बाद मैं इसे कहता हूं कि भाई मुझे सेम वर्ड को चेक करना है कि इससे रिलेटेड मैं और क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकूं. तो ये देखिए दोनों में आप फर्क देख सकते हो कि दोनों में सिर्फ ये मुझे उससे रिलेटेड चीजें बता रहा है, मेरे पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड ही चीजें बता रहा है. तो थसूरस हमारे पास ये होता है कि हमारा जो वर्ड है, नाउन है, प्रोनाउन है, जो भी है, उससे रिलेटेड हम कोई दूसरा वर्ड देखना चाह रहे हैं. फॉर सपोज कंप्यूटर के अंदर क्या क्या इस्तेमाल होता है, प्रोसेसर, सीपीयू एंड मेन फ्रेम, पीसी, लैपटॉप वगैरह, ये तमाम चीजें. लेकिन रिसर्च के अंदर अगर मुझे रिसर्च करनी है, रिसर्च में मैं देखना चाह रहा हूं कि कंप्यूटर के अंदर मेरे पास और क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, तो उससे रिलेटेड मैं यहां पर बाकी मुझे डिफरेंट थसूरस नजर आ रहे हैं, मैं इसको ट्रांसलेट करना चाह रहा हूं, तो मेरे पास इसके ट्रांसलेशन के अलग ऑप्शन मौजूद है. ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास यहां पर ऑप्शन मौजूद है ट्रांसलेट का. ट्रांसलेट पे मैं क्लिक करता हूं. क्लिक करने के बाद मुझे कह रहा है ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट. मैं इस पर क्लिक करता हूं. क्लिक करने के बाद मैंने जाहिर सी बात है टेक्स्ट ऐड किया हुआ था, तो इस टेक्स्ट की ट्रांसलेशन ये मुझे इस लैंग्वेज में लेकर दिखा रहा है. जो लैंग्वेज सेलेक्ट हुई हुई है दैट इज एस्टोनियन, एंड यहां पर इसका तर्जुमा आ रहा है. हम इसको उर्दू में देख लेते हैं. क्लिक करते हैं. क्लिक करने के बाद मेरे पास यहां पर ये रही उर्दू. ओके करता हूं तो ये देखिए कंप्यूटर उर्दू के अंदर लिखा हुआ आ रहा है. सेम एज इट इज, अगर मैं यहां पर कोई और आसान सा लफ्ज लिख देता हूं इंग्लिश में जो लिखा जा रहा है उसका उर्दू में अलग तर्जुमा हो, तो मैं यहां पर फॉर सपोज कहता हूं प्रोसीजर, एंड अब मैं इसे गो करता हूं तो ये देखिए यहां पर मुझे मतलब नजर आ रहा है, प्रोसीजर की ट्रांसलेशन नजर आ रही है. ओके,
नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर लैंग्वेज का. इस लैंग्वेज के ऑप्शन के अंदर अभी हमारे इस डॉक्यूमेंट में मैंने आपको स्पेलिंग चेक करके बताई थी, तो इसकी बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज आ रही है दैट इज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स. अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी दूसरी स्पेलिंग के अंदर अपने डॉक्यूमेंट के जो वर्ड्स हैं उनको चेक करूँ तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ. बाय डिफॉल्ट अपनी लैंग्वेज की प्रेफरेंसेस को चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से कर सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो डच लैंग्वेज सेटस डिफॉल्ट हो जाए. तो अब जब भी ये वर्ड मेरे पास चेक करेगा तो डच लैंग्वेज के अंदर चेक करेगा. ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन मौजूद है न्यू कमेंट का. इस न्यू कमेंट के ऑप्शन को समझाने के लिए मैं फाइल पर जाकर एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाह रहा हूँ. बिजनेस पे जाते हैं एंड यहाँ आने के बाद मैं एक नया टेम्पलेट क्रिएट करना चाह रहा हूँ. तो आपके सामने मैं यहाँ पर ये मॉडर्न प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ एंड इसे क्रिएट कर लेते हैं. तो ये देखिए आपके सामने एक मैंने टेम्पलेट ले लिया है. अब मैं यहाँ पर स्लाइड नंबर 3 पर आकर यहाँ पर एक कमेंट ऐड करता हूँ. रिव्यू पे गए, यहाँ पर न्यू कमेंट. कोई भी आप कमेंट लिख सकते हो जो आपके जरूरत के हिसाब से उस वक्त हो रहा है. मैं यहाँ पर सैंपल कमेंट लिख रहा हूँ. दिस इज फर्स्ट सैंपल कमेंट एंड आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं दूसरी स्लाइड पे आता हूँ. यहां भी कमेंट लिखता हूं. दिस इज सेकेंड सैंपल कमेंट एंड किसी और स्लाइड पर आकर दिस इज थर्ड सैंपल कमेंट. तो मैं अपने पास अपने यहां पे स्लाइड पे कमेंट ऐड कर सकता हूं. मेरे पास जो भी आपके सामने ओपन हुआ है दैट इज कमेंट्स पेन. मैं यहां से क्लोज कर सकता हूं. अपनी पहली प्रेजेंटेशन की स्लाइड पर आते हैं. यहाँ आने के बाद मेरे पास नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन आ रहा है. ये बेसिकली डायरेक्टली मुझे जंप करवाएगा कमेंट के ऊपर. ये स्लाइड टू स्लाइड जंप नहीं करवाएगा, मतलब जिस स्लाइड में मेरे पास कमेंट मौजूद है उस स्लाइड में मेरे पास जंप करवाएगा. नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है शो कमेंट्स का. मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड क्लिक करने के बाद वो मुझे कह रहा है देयर आर कमेंट्स ऑन अदर स्लाइड्स इन दिस प्रेजेंटेशन. अगर आप देखना चाहते हो तो आप नेक्स्ट या प्रीवियस के बटन को इस्तेमाल कर सकते हो. तो मेरे पास यहां पर भी नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन ऑप्शन मौजूद है. चलिए मैं आपको बताने के लिए यहां पे क्लिक करता हूं नेक्स्ट. तो मैंने पहला कमेंट जो है वो यहां दिया था, दिस इज फर्स्ट सैंपल कमेंट. मैं दोबारा नेक्स्ट करता हूं एंड मेरे पास ये तीसरा कमेंट मैंने यहां दिया था. वो बेसिकली अपनी सीक्वेंस से चल रहा है, स्लाइड बाय स्लाइड चल रहा है. एंड यहां पर मैं दोबारा आता हूं तो ये मेरे पास दिस इज सेकंड सैंपल कमेंट आ रहा है. मेरे पास यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मौजूद है. हम यहाँ से अपने कमेंट्स को, अगर इस पर्टिकुलर कमेंट को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो जस्ट डिलीट. इस पर्टिकुलर स्लाइड पे जितने भी कमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो उन सबको डिलीट करना है तो डिलीट, या फिर सारी प्रेजेंटेशन से जितने भी कमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं वो तमाम कमेंट्स डिलीट हो जाए. तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड यस करता हूँ. तो ये देखिए मेरे पास तमाम स्लाइड से कमेंट डिलीट हो गए, यहाँ पर ऑप्शन भी डिसेबल हो गए. ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है कंपेयर का. कंपेयर का टूल हमें इसलिए इस्तेमाल करना होता है कि अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन में कोई दूसरी स्लाइड ऐड करवानी है तो उसके लिए हम कंपेयर का टूल इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूं कि मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को कंपेयर करवाना चाहता हूं, तो मेरे पास कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए. तो अभी आपके सामने जो मैंने फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिया था, इस डॉक्यूमेंट को फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक डिजाइन देकर एंड इसे एक डुप्लीकेट स्लाइड देके इस पर थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूं. यहां पर ही मैंने चेंजेस करने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूं. यहां से जाके सेव किया एंड कंप्यूटर में जाकर डेस्कटॉप में मैं इसको नाम दे देता हूं प्रेजेंटेशन 1. सेव करते तो ये मैंने अपनी इस स्लाइड को सेव कर दिया है. क्लोज करता हूं. मैं यहां पर कह रहा हूं कि भाई जी मुझे कंपेयर करना है. कंपेयर पे क्लिक करते हैं. क्लिक करने के बाद ही मेरे पास जो डेस्कटॉप की लोकेशन है वो प्रेजेंटेशन मैंने भी आपके सामने सेव की, इसे सेलेक्ट करते हैं. मर्ज करूंगा. मर्ज करने के बाद ही उसकी स्लाइड्स में देखिए मेरे पास दो स्लाइड्स मौजूद थी, तो ये दोनों स्लाइड्स दिखा रहा है. यहां पर मेरे पास रिविजन पेन में मेरी स्लाइड्स आ रही है, अभी जो इस प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स हैं ये आ रही है, एंड जो प्रेजेंटेशन मैंने सेलेक्ट की है जिसको मर्ज करना चाह रहा हूं उसकी दो स्लाइड्स मेरे पास यहां आ रही हैं. मैं कहता हूं मुझे उसकी आप पहली स्लाइड दे दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए. तो ये देखिए इसने इंसर्ट करके मुझे दे दी.
अब यहां पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इसके चेंजेस को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप रिजेक्ट ऑल चेंजेस कर सकते हैं। मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए दोबारा आ गया। मैं कहता हूं जी फर्स्ट स्लाइड लेकर आ जाइए। अगर आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट ऑल चेंजेस भी कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए मैंने ऑल चेंजेस एक्सेप्ट कर ली। तो अब उसने मुझे वही वाली स्लाइड्स दे दी जो मेरे पास यहां पर मैंने मर्ज करने के लिए उठाई थी। तो मैं इसको कहता हूं कि भाई इस तरीके से ना करें, मैं दोनों को एक साथ रखना चाह रहा हूं। कंट्रोल जेड करता हूं। कंट्रोल जेड करने के बाद मैं यहां पर सिंपली आकर इसे कह सकता हूं एंड रिव्यू, क्लिक करेंगे एंड इसको यस कर देंगे तो ये देखिए मेरे पास ये वो स्लाइड्स भी क्रिएट हो गई। ये मेरे पास दूसरी प्रेजेंटेशन से उठकर आई है, ये मेरे पास मेरी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड थे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहां पर लास्ट ऑप्शन मौजूद है लिंक्ड नोट्स का। एमएस ऑफिस का सबसे अच्छा फीचर है आपके पास यहां पर, एमएस ऑफिस का एक टूल है बेसिकली वन नोट। अगर मैं चाहता हूं कि मैं एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड कोई भी एक नोट लिखूं, इस स्लाइड के अंदर मुझे क्या मैनेज करना है, मुझे स्लाइड में क्या डिस्कस करना है, तो वो मैं बेसिकली अपने लिंक नोट में लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए कंपेरिजन वन कंपेरिजन टू आ रहा है, ये देख लेते हैं। मेरे सामने यहां पर एक चार्ट आ रहा है जिसमें बता रहा है चार्ट का टाइटल वगैरह वगैरह। तो मैं यहां पर कहता हूं जी मुझे एक लिंक नोट लगाना है, इस पर क्लिक करते हैं। प्रेजेंटेशन का सेव होना जरूरी है तो मैं कहता हूं जी ओके, ओके करते हैं एंड यहां से अपनी प्रेजेंटेशन को मैं सेव करता हूं। इसका नाम रखते हैं प्रेजेंटेशन टू। सेव करता हूं मैं इसे एंड अब मैं जाता हूं लिंक नोट्स पे क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद वो मुझे देखिए बता रहा है कि एक उसने मुझे मेरा बनाया बनाया सैंपल नोट लाके दे दिया। मैं कहता हूं जी मुझे अलग से कोई नोट चाहिए तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं एंड यहां पर जाने के बाद मैं इसे कहता हूं फाइल। फाइल पर जाने के बाद मैं एक न्यू नोट बनाना चाह रहा हूं, नोट। एंड मैं कहता हूं कि वो मुझे कह रहा है कि इस नोट को आप सेव कीजिए। मैं यहां पर इस नोट का नाम लिख देता हूं फॉर रिव्यू टैब, क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद मेरे पास मेरा एक नोट क्रिएट हो गया। यहां पर अब मैं उस नोट से रिलेटेड हेडिंग देना चाह रहा हूं तो मैं इसको कहता हूं फॉर एग्जाम्पल मस्ट रीड एंड यहां पर मैं कहता हूं डिस्कस ब्रीफली द करंट चार्ट। मेरे पास यहां पर चार्ट मौजूद है तो यहां पर मैंने कह दिया डिस्कस ब्रीफली द करंट चार्ट। अब यहां मुझे बता रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू के अंदर ये जा रहा है एंड देखिए मेरे पास स्लाइड का ऑप्शन भी आ रहा है, टाइटल गोज हेयर फोर पे आ रहा है इधर। मैं कहता हूं जी ठीक है एंड अब मेरे पास यहां पर ये जो नोट है बेसिकली सेव हो चुका है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं एंड इस स्लाइड को भी क्लोज कर। अभी आपके सामने मैंने एक नोट क्रिएट किया था। अब हम जाते हैं हमारे पास सिस्टम के अंदर ओपन हो जाता है वन नोट का ऑप्शन। हम वन नोट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहां पर मैं इसके मेन्यू फाइल पे जाता हूं एंड फाइल पे जाने के बाद ये देखिए मेरे पास रिसेंट ओपन आ रहा है फॉर रिव्यू टैब। मैं कहता हूं व्यू नोटबुक, मुझे नोटबुक चेक करवाइए। तो यहां पर नोटबुक के अंदर किसी ने मुझे लिखकर दिया हुआ है कि डिस्कस ब्रीफली द करंट चार्ट। अब किस में, किस स्लाइड में, तो मैं यहां पर स्लाइड पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद तो मुझे कह रहा है कि थोड़ा आपके लिए डेंजरस है क्योंकि इसके लिए आपके पास कोई लिंक्ड फाइल ओपन हो रही है। मैं कहता हूं जी जी ओके, डजंट मैटर। एंड यहां पर देखिए मेरे पास अभी डायरेक्टली मुझे इस चार्ट पे जंप करवा दिया इसने। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास काम कर रहा होता है हमारा लिंक्ड नोड। सो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नाउ इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज मेक श्योर टू लाइक इट, शेयर विद अ फ्रेंड हु मे नीड इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस वन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।